हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम एन सी आर टी में के इेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं उन्हें डिस्कस करेंगे तो शुरू करते हैं हम एन सी आर टी के एग्जाम्पल टेन से दैट इज शो दैट फाइव माइनस रूट थ्री इज इेशनल तो हम रूट टू रूट थ्री इन्हें तो इेशनल प्रूव करना सीख ही चुके हैं तो अब भी हम सेम उसी मैथड से उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए फाइव माइनस रूट थ्री को भी इेशनल प्रूफ करेंगे तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो हमें इेशनल प्रूफ करना है उसको हम रेशनल करते हैं तो लेट फाइव माइनस रूट थ्री इज रेशनल हमने इसे रेशनल मान लिया अब अगर ये रेशनल है तो क्या होगा फाइव माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू ए अपॉन बी ये ए अपॉन बी के इक्वल होना चाहिए और हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है बी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए एंड बी आर को प्राइम ए और बी दोनों को प्राइम नंबर हैं अब ये हमने अपना ज्यूम कर लिया उसके बाद अब हमारे से हम रीअरेंज करते हैं माइनस रूट थ्री उसे हमने यहां रखा और फाइव को हम इधर ले गए तो ये हो गया ए अपॉन बी माइनस फाइव माइनस का साइन भी यहां से हटाए तो रूट थ्री इज इक्वल टू फाइव माइनस ए अपॉन बी क्योंकि माइनस का साइन यहां जाएगा तो इसका साइन और इसका साइन दोनों का साइन चेंज हो गया ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव तो इसलिए ये इस ढंग से हो गए अब रूट थ्री इज इक्वल टू हम एलसीएम ले लेते हैं ये हो गया एलसीएम बी फाइव बी माइनस ए अब ए एंड बी आर इंटीजर्स ये हमारे इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब जो हमारा राइट हैंड साइड है ये फाइव बी माइनस ए अपॉन बी ये रेशनल नंबर है अपॉन बी इज रैशनल ये एक रेशनल नंबर है और लेफ्ट हैंड साइड पर रूट थ्री वो हमारा इरेशनल है तो क्या एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है तो यहां हमारा कॉन्ट्रोडिक्शन बन गया कि लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल और राइट हैंड साइड रैशनल ड्यू टू कॉन्ट्रडिक्शन हमें ये पता है रूट थ्री इज इेशनल ये हम ऑलरेडी जानते हैं ये हम जानते हैं तो रैशनल और इेशनल दोनों आपस में इक्वल हो नहीं सकते तो ड्यू टू कॉन्ट्रडिक्शन हमने जो स्टेटमेंट रिज्यूम किया था उसमें कॉन्ट्रोडिक्शन आ गया देयर फोर फाइव माइनस रूट थ्री इज इेशनल और यही हमें प्रूफ करना था फिर से एक बार देखते हैं हमें फाइव माइनस रूट थ्री को इेशनल प्रूफ करना है इसलिए हमने उसे रैशनल लिया दैट इज इक्वल टू ए अपॉन बी बी इज नॉट इक्वल टू जीरो ए एंड बी को प्राइम ये तो हमारी मतलब कंपल्सरी कंडीशन है हमने रीअरेंज किया रूट थ्री को यहां रहने दिया जो हमारा इ नंबर है उसे हम एक साइड ही रखेंगे क्योंकि हमें पता है वो इेशनल है और बाकी जो उसके साथ के टर्म्स हैं हम वो दूसरी साइड पे ले जा रहे हैं यहां हम लाए ये तो रैशनल है और ये इेशनल ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हो नहीं सकती तो ड्यू टू कॉन्ट्रोडिक्शन फाइव माइनस रूट थ्री इज इेशनल अब एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रूव दैट थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इ रेशनल हमें क्या प्रूव करना है कि ये एक इेशनल नंबर है ये हमें प्रूव करना है तो मेथड वही रहेगा अब इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे वही स्टेप जैसे हमने यहां इसे रेशनल लिया यहां हम इसे रेशनल लेंगे तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा लेट थ्री प्लस टू रूट फाइव इज रेशनल अब हमने इसे रैशनल लिया तो इट मीन्स थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इक्वल टू ए अपॉन बी अगेन बी इज नॉट इक्वल टू जीरो ए एंड बी आर क्या है को प्राइम ए एंड बी आर को प्राइम ये तो हमारी कंडीशन है ही मेन उसके बाद फिर वही रीअरेंज करते हैं यहाँ पर हमें पता है कि रूट फाइव इेशनल है तो हम रूट फाइव को यहाँ रख के बाकी नंबर्स को एक एक करके राइट हैंड साइड पर पहुंच जाएंगे तो टू रूट फाइव यहाँ रखा ए अपॉन बी और यहां पर थ्री जो है वो माइनस का बन के चला गया अब रूट फाइव को यहाँ छोड़ा टू है मल्टीप्लीकेशन में है तो वो डिविजन में जाएगा अब जब हम डिवाइड करेंगे हमें ये ध्यान रखना है कि टू ना तो सिर्फ ए अपॉन बी को मिलेगा ना सिर्फ थ्री को मिलेगा ये इन दोनों के लिए आएगा ऐसा नहीं कि हम टू को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें या थ्री के नीचे दे दें ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा टू नीचे आके तो रूट फाइव इज इक्वल टू अब हम इसे अगर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए अपॉन टू बी माइनस थ्री अपॉन टू एलसीएम लेके नीचे आया एलसीएम टू बी और ये हो गया ए माइनस थ्री बी अब अगेन ए एंड बी आर इंटीजर्स ये तो हम मान के चलते हैं ना कि हमारे ए और बी जो हैं वो इंटीजर्स हैं तो ये रेशनल नंबर हो गया और हमें पता है कि रूट फाइव इेशनल है देरफोर ए माइनस थ्री बी अपॉन टू बी इज रैशनल और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि रूट फाइव वी नो रूट फाइव इज क्या है रूट फाइव इेशनल रूट फाइव इेशनल नंबर है तो फिर कॉन्ट्रोडिक्शन हो गया तो यहां फिर हमारा स्टेट पाएगा ड्यू टू कॉन्ट्रडिक्शन कॉन्ट्रेडिक्शन की वजह से क्या हुआ हमारा पूरा का पूरा नंबर थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इेशनल है ना इजी बार फिर से देखते हैं हमें टू प्लस थ्री प्लस टू रूट फाइव को इेशनल प्रूव करना था हमने कॉन्ट्रेडिक्शन लिया स्टेटमेंट रैशनल लिया उसे ए अपॉन बी की इक्वल रखा हमें पता है कि रूट फाइव हमारा इरेशनल है तो हमने रूट फाइव को छोड़ के बाकी नंबर्स को राइट हैंड साइड पे पहुंचाया अकॉर्डिंग टू रूल्स और फिर हमने देखा कि यहां तो रैशनल नंबर आया और रूट फाइव हमारा इरेशनल है तो ड्यू टू कॉन्ट्रोडिक्शन थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इेशनल ये हमारा प्रूव हो गया आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक कीप प्रैक्टिसिंग स्टे होम Stay safe.